हेलो बच्चों, वेलकम टू तायल कोचिंग क्लासेस। अपन ने ऑसिलेशन स्टार्ट किया था। ऑसिलेशन में अपने को अभी देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। अगर कोई भी पार्टिकल एंगुलर एसएचएम करता है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्या करना है अपने को, अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अपने एंगुलर एसएचएम कर रही, अगर ये एंगुलर एसएचएम कर रही तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपने करना क्या है, एक रिजिड सपोर्ट लिया अपन ने, एक स्ट्रिंग लिया, उसको एक प्लेट डिस्क अपन ने सेंटर से हैंग कर दी, डिस्क अपन ने सेंटर से हैंग कर दी। इसको मैं थोड़ा रोटेट करूंगा और छोड़ दूंगा, थोड़ा रोटेट करूंगा और छोड़ दूंगा तो एंगुलर एसएचएम करेंगी, टू फ्रो ऐसी ऐसी मोशन करेंगे, उसको बोलते हैं अपन एंगुलर एसएचएम। इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एसएचएम। अगर ए सिस्टम में डिस्क अपनी एंगुलर एसएचएम करके एक साइड घूमेंगी फिर इस साइड घूमेंगी, ऐसी होंगी फिर ऐसी होंगी, तो इसको बोलेंगे अपन एंगुलर एसएचएम। तो इस कंडीशन में उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है अपने को फाइंड आउट करना है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जितने एंगल से अपन ट्विस्ट करेंगे उतने एंगल से वो रोटेट होंगे, ज्यादा ट्विस्ट करेंगे तो ज्यादा रोटेट करेंगी। जब लीनियर एसएचएम करता है तो अपन उसको बोलते हैं फोर्थ, उसको क्या बोलते हैं फोर्थ। लीनियर मोशन करता है तब उसको बोलते हैं फोर्थ, मगर जब एंगुलर मोशन होता है तो इसको अपन फोर्थ नहीं बोलते, टॉर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। अपन जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जितने एंगल से घुमाएंगे उतना ज्यादा उस पर क्या एक्ट होएगा, टॉर्क एक्ट, टॉर्क एक्ट होएगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग ऐसा है, जितना एंगल से अपन घुमाएंगे उतना ज्यादा उस पर क्या एक्ट होएगा, टॉर्क एक्ट होएगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा। अपन के लीनियर एसएचएम में अपने डिफाइन किया था, यहाँ पे अपन यू वगैरह सी ले लेंगे, कॉन्स्टेंट बुक में सी लिया है तो अपन कॉन्स्टेंट क्या लेंगे, सी लेंगे। बट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ए वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, आई इंटू अल्फा सी इंटू थीटा। नाउ अल्फा क्या होता है, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टू टाइम्स अपन ने डेरिवेटिव लिया तो अपने को क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, डी टी आई इज ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो इस पर से अपन ए लिख सकते हैं। ये अल्फा के लिए इक्वेशन में पुट अप करेंगे, आई डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। यहाँ पे अपन ने साइन में दिया, ये जो नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, इसलिए माइनस सी इंटू थीटा। तो अपन क्या कहेंगे, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। ये टर्म इधर लेके आएंगे, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट सी, नेगेटिव साइन इसे ले लिया कि टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू अपने रिप्लेस किया डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर आई से डिवाइड कर दिया तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, है तो क्लियर है, कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।